गाजियाबाद में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए हैं। लापता शख्स का सुराग नहीं मिलने से नाराज हैं लोग। 7 फरवरी को लापता हुआ था शख्स। परिजनों ने हत्या की कही बात। हत्यारों ने शव को हिंडन नदी में बहाया। परिजनों का ये आरोप है। डेड बॉडी नहीं मिलने से नाराज हैं परिजन। नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस शख्स का सुराग तक नहीं लगा पाई और अब गुस्सा है लोगों में। देखिए, मैं आपको बता दूं, सियानी गेट थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये 7 तारीख को संजय सही नाम का युवक गुमशुदा हुआ था, जिसकी पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की। 10 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और जेल भी भेजा जा चुका है। हालांकि आज जो है सैकड़ों की तादाद में जो परिजन है वो एसएसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। साथ ही उनका आरोप है कि पुलिस ने जो 3 लोगों को जो जेल भेजा है वो फर्जी तरीके से, वो सही खुलासा इस पूरे केस का नहीं किया है। और साथ ही इनकी मांग है, जो इनके बेटे की जो डेड बॉडी थी वो भी नहीं मिल पाई है। इनकी बहन का भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार जो है परिजन प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जी अनिल, 7 फरवरी को एक शख्स लापता होता है और अभी तक सुराग तक पुलिस नहीं लगा पाती है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन का कहना है जहाँ इतना आक्रोश लोगों में है? जी देखिए, जब हमने पुलिस से बात की तो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि हमने जो अपने तरीके से जो केस का खुलासा किया है वो ठीक है, पर हालांकि जो परिजन है वो नाखुश है, उनका साफ तौर पर आरोप है। और साथ ही वो इतनी पीड़ा में है कि उनका ये भी कहना है कि हमारा इकलौता चिराग था जो कमाने वाला, वो ही छीन लिया। कहीं ना कहीं पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, जिसके चलते आज एसएसपी ऑफिस का घेराव जो है परिजन द्वारा किया जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है जो इसका सही खुलासा किया जाए और हम जो हमारे बेटा है उसकी जो डेड बॉडी है वो जल्द से जल्द खोजी जाए। नजर बनाए रखिएगा अनिल, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।